फिल्म वालों ने कहा क्या कहा, अरे जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती निवेदन कर रहा हूं कि अगर गीत आपने ध्यान से सुना मेरा वादा है आपको पसंद आएगा। बहन जी भगवान श्री राम 14 वर्ष पूरे करके अयोध्या में वापस लौटे, सभी से जाकर मिले, माताओं से मिले जाकर के, और आपस में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं चारों भाइयों के, और ये खड़े खड़े देख रहे हैं विभीषण। और जब विभीषण की नजर पड़ी आंखों में चारों भाइयों के आंसू देखे, प्रेम के आंसू, तो रो पड़े विभीषण, रोने लगे और कहने लगे क्या भाई की वो बात जरा सी भाई को ना भाई समझाया भैया रावण को, मुझे लात मार करके निकाल दिया लंका से, तो भाई ने नहीं निभाई। पहली लंबी विभीषण सोच रहे हैं क्या कहने नीति की वो बातें भैया अगर मान ले, अरे नीति की वो बातें भैया अगर मान लेते तो भरोसा मुझे है राम नहीं जान लेते, ए भरोसा मुझे है राम नहीं जान लेते। लेकिन अब अरे जीवन का संता जीवन का संता ये मेरे लिए और भारी
पश्चाताप मेरे ले हर जीवन का संताप मेरे लिए भारी पश्चाताप भाई विराजमान है और भाइयों के भी भाई होंगे, भाइयों के भी भाई होंगे, इसलिए कह रहा हूं क्या विभीषण और रोते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं क्या क्या अरे भला बुरा जैसा भी हो बना है जग में भाई भाई का सोच रहे विभीषण हुआ चमन वीरान जय हो हरे हुआ चमन मैं सभी भाइयों से ध्यान चाहता हूँ इस लाइन पर अरे हुआ चमन वीरान हमारा फिर से नहीं खिलेगा अरे फिर से नहीं खिलेगा के सब दुनिया में अरे सब दुनिया में मिल जाए पर भाई नहीं पुण्य और पाप को बस पहचान लेते भैया रावण पुण्य और पाप को बस पहचान लेते तो भरोसा मुझे है राम नहीं जान ले तो जीवन का आखिरी बात सुनिए ये सोचते सोचते विभीषण को एक बात और याद आ गई एक बार एक वीर लड़ने के लिए भगवान राम के सामने आया और भगवान राम ने देखा कि उसके सारे शरीर पर राम 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 लिखा था विभीषण को बुलाया और भगवान ने कहा कि विभीषण एक बात बताओ ये हमारा ही दुश्मन है हमारा ही भक्त है देखो ये हमसे लड़ने के लिए आया तो हमारा ही भक्त है इसके सारे शरीर पर देखो राम 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 लिखा है आखिर ये कौन है विभीषण ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए इसे मार डालिए मार डालो प्रभु ये जो लड़ने आ रहा है ना ये रावण का भतीजा है मारो प्रभु इसको भगवान राम ने प्रहार किया उसे मार डाला जब मार डाला मुड़ करके देखा विभीषण की आंखों से आंसू बह रहे थे भगवान राम ने कहा विभीषण अभी तो तुम कह रहे थे इसे मार डालो ये रावण का भतीजा है वो जब मैंने मार डाला तो तुम रो रहे हो
कहा हाँ प्रभु, मैंने ये जरूर कहा था आपसे कि ये रावण का भतीजा है, लेकिन ये कोई और नहीं प्रभु, ये मेरा ही बेटा था तरणी सेन जिसे आपने मार डाला। आज वो बात विभीषण को चुभ रही है, तो सोच रहे हैं क्या के सोच सोच के मन रह जाता। पहली लंबी आखिरी लाइन सुनिएगा, सोच सोच के दिल ये रोता जाए नहीं रहा है। क्यों 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 आज खून के होते मेरे खून का खून बहा है। मेरे अपने बेटे का खून मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, लेकिन हुआ मुझे दुखदाई, मैंने प्रभु से भेद छुपाया। कौन सा भेद? उनसे नहीं बताया। अगर मैंने भगवान को बता दिया होता कि प्रभु ये रावण का भतीजा है और मेरा ही बेटा है, तो रिश्ते की गरिमा वो अनुमान लेते, रिश्ते की गरिमा मन से अनुमान लेते। हर भरोसा मुझे है राम नहीं जान ले, तो जीवन का संता मेरे लिए और भारी पश्चात। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे समस्त। गाया घर में दुनिया वालों ने कि जिस दिन तेरी मेरी Bye.
बढ़िया बड़े भैया आपका गीत घर का है लेकिन एक लाइन सुनिएगा। विभीषण महाराज सोच रहे हैं आपकी लाइन बोल रही है। पुण्य और पाप को पहचान लेते। विभीषण जी सोच रहे हैं रावण के विषय में। पुण्य और पाप को पहचान लेते। अरे अरे क्या रावण पाप और पुण्य को नहीं जानता था? जानता था भैया। और ये बात विभीषण महाराज भी जानते थे। चार वेद छह शास्त्र का ज्ञाता था रावण, लेकिन उसकी जिद थी, उसकी जिद थी कि मेरे साथ मेरे पूरे कुल का कल्याण करेंगे तो प्रभु श्री राम। इसी कारण उन्होंने प्रभु श्री राम से वैर किया था, जानते सब थे। और ऐसी बात वो सोच ही नहीं सकते कि पुण्य और पाप को पहचान लेते। लेकिन बढ़िया आपका गाना है, कहना कुछ नहीं है। बड़े भैया आपसे छोटी हूँ, बस आपसे सीख रही हूँ। सुने अब भगवान राम, भैया सुनिएगा, भगवान राम चारों भाई मिल रहे हैं तो विभीषण जी अपने भाई को याद करके रोने लगे। तो वहीं से जवाब दे रही है। विभीषण महाराज रोने लगे, लेकिन एक भाई और रोने लगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस सोच रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। सुग्रीव महाराज ने जब उन भाइयों को देखा, उनका प्रेम देखा, तो वो अपने मन में सोच रहे हैं। सुने सुने कि मेरा भाई, मेरा भाई बाली कि भले ही हमको राज न देता, लड़ता नहीं लड़ाई। कंदरा को बंद करके आया था, लेकिन ना सुनिए, भावना वो मेरे दिल की पहचान जाता। बिछुड़ता न भाई से भाई, समय ये ना आता। आज मुझे उसकी याद में आंसू नहीं बहाने पड़ते। बिछुड़ता न भाई से भाई, समय ये न आता। तो वो सोच रहे हैं, रहते तुम महाराज बाली, तुम सदा मेरे लिए महाराज रहते हैं। कि रहते तुम महाराज मेरे लिए, ये अश्रु न बहते Thank you.
पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद, बैठिए बैठिए। आप इधर उधर भटक रहे हैं तो हम लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि आप आराम से बैठ जाइए। भैया हमारे उमेश कुमार निषाद जी, आप बैठ कर सुनिए। धन्यवाद। एक सब में पढ़कर भाई से